News 18, India. और अब रुख करेंगे बड़ी खबर का। एनडीए गठबंधन से जुड़ी अब तक की बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली के साथ साथ कई और राज्यों में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लोकसभा सीटों पर समझौता हो गया है। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं खबर है कि गुजरात में भरूच और भावनगर सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। इसके साथ ही हरियाणा में भी 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलने की खबर है। वहीं चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो सीटों को लेकर जो फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था इतने दिन से, अब यहां पर बात बनती हुई दिखाई दे रही है। और एक एक करके जानकारी अलग अलग राज्यों से सामने आ रही है कि सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है, तय हो चुका है कि किसके खाते में कितनी सीटें होंगी। और यहां पर दिल्ली में भी ये तय हो चुका है, गुजरात में भी ये तय हो चुका है, चंडीगढ़ से भी ऐसी खबर सामने आ रही है। तो लगातार ये जो पेच फंसा हुआ था सीटों को लेकर कि लोकसभा चुनाव में अगर हम उतरे, इंडी गठबंधन एक साथ जाए, तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीट, जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, अब यहां बात बनती हुई दिखती है। और एक एक करके हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, चंडीगढ़ की सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। दिल्ली के साथ ही गुजरात और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को सीट दी गई है। गुजरात में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 2 सीट दी है, यहां से यह जानकारी मिल रही है। गुजरात के भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा दंगल, जिसमें किसको कितनी सीटें दी गई है, कितने पर सहमति बनी है, जरा देखिए आप। दिल्ली में जो बनी है बात, उसमें कांग्रेस को पूर्वी दिल्ली की सीट दे दी गई है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की, और आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीट दी गई है। यहाँ चांदनी चौक की सीट भी कांग्रेस के पास और आम आदमी पार्टी के पास में, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की 4 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास में, और जो बाकी की 3 सीटें हैं वो कांग्रेस को दे दी गई हैं। हालांकि ये समझना होगा, यहाँ का दंगल बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सभी की सभी 7 सीटें, सभी 7 सीटों पर कमल खिला हुआ है। ये तो स्थिति हो गई दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच ये फॉर्मूला तय हुआ कि 3 सीटों पर पंजा जमाइए और 4 सीटों पर झाड़ू चलाइए। अब देखना यह है कि कितने दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां उतरती हैं और दोनों का अलायंस जनता कितना स्वीकार करती है, क्योंकि 2019 में भी आम आदमी पार्टी बड़े दमखम के साथ उतरी थी, कांग्रेस ने भी पूरा जोर आजमाइश कर दी थी। लेकिन जितनी 7 की 7 सीटें हैं, मोदी लहर कुछ इस तरीके की थी कि सभी सीटों पर कमल खिल गया था दिल्ली में। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख भी पा रहे होंगे। जावेद, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान के लिए इंतजार करें हम। देखिए, बिल्कुल काफी लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर गठबंधन में देरी क्यों हो रही है। कल खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को माना कि गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर डिले हो रहा है, जल्द होना चाहिए। अब कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। दिल्ली इसमें सबसे बड़ा राज्य है जहां गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ था। अब वहां पर जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है, 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा कई दौर की वार्ताएं लगातार चलती रहीं, उसमें आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की थी, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो, गोवा हो। तो अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली में तो फाइनल हो ही गया और आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने पंजाब को लेकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है कि वहां पर अलग अलग लड़ा जाएगा, इसी में दोनों दलों का फायदा है। अगर बात करें गुजरात की, तो वहां पर भी 2 सीटों पर जो जानकारी मिल रही है वहां पर सहमति बन गई है, भरूच और भावनगर सीट को लेकर। इसके अलावा 1 सीट पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन पिछला जो कुछ समय था वो ऐसा वक्त भी आया जब लगा कि गठबंधन में बहुत ज्यादा खटास एक तरह से पड़ रही है। ये जानकारी पीछे आई कि 4 सीट कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मांग रही है, वो वक्त था जब ऐसा लगा कि बात नहीं बनेगी, लेकिन अब बात बनते हुए दिखाई दे रही है और बिल्कुल अपने अंतिम दौर में है और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जी ठीक है, जावेद लौट रहे हैं आपके पास में, हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ में, हम उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि कैसे इंडी गठबंधन में हलचल बढ़ी अचानक।